तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं यानी देशी बुक और स्टोरी एक्सप्लेन मिलकर आपको 2014 में आई रोमांटिक हॉरर मूवी स्प्रिंग की कहानी से रूबरू कराऊंगा। ये एक ऐसी मूवी है जिसमें मर्दों के साथ संबंध बनाकर किसी लड़की के अमर बनने की कहानी दिखाई गई है। सो फ्रेंड्स, ज्यादा देर न करते हुए इस कमाल की वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म की कहानी इवान नाम के एक लड़के के आसपास घूमती है, जो न्यूयॉर्क में अपनी माँ के साथ रहा करता था। इवान एक साफ दिल का लड़का है जो एक बार में जॉब किया करता है। इवान अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर इवान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इवान की माँ को कैंसर था और वह बस कुछ दिनों में गुजरने वाली थी। फिल्म शुरू होती है और हमें इवान को उसकी माँ के साथ हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। यहाँ पर इवान अपनी माँ की केयर करते हुए उससे बात कर रहा होता है कि तभी इवान के माँ की तबीयत खराब हो जाती है और इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। माँ के गुजर जाने से इवान को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह रोने लगता है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। आगे हमें इवान को उसके एक दोस्त टॉमी के साथ उसी बार में दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों काम किया करते थे। माँ के गुजर जाने से इवान को दुखी देखकर टॉमी कहता है, देखो यार, तेरी माँ गुजर गई है और मुझे लगता है तेरा अपना कोई नहीं है। तुम्हें कुछ समय के लिए या तो बाहर घुमाना चाहिए, नहीं तो एक ऐसी माल पठानी चाहिए जिसकी चाल कमाल हो। टॉमी की बात सुनकर इवान थोड़ा मुस्कुराता है और बाथरूम की तरफ जाने लगता है कि तभी वो किसी दूसरे इंसान से जा टकराता है। इवान सामने वाले को सॉरी भी बोलता है, पर जबरदस्ती ये चूतिया बगल वाली को इम्प्रेस करने के चक्कर में इवान पर रौब दिखाने लगता है। इवान भी यहाँ पर अपने आप को संभाल नहीं पाता और अकेलेपन से मिल रहे भड़ास को इस इंसान पर निकाल देता है और इसे बुरी तरह से पीटता है, जिससे ये इंसान घायल हो जाता है। चूंकि इवान ने कस्टमर को पीटा था, इसीलिए बार का मालिक अपने बार के रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए इसे यानी इवान को काम से निकाल देता है। इवान अपने दोस्त टॉमी के साथ घर जाता है, जहां पर ये दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और टॉमी अपने घर के लिए निकल पड़ता है। सुबह जब इवान की आंखें खुलती हैं, तो उसके दरवाजे पर कोई होता है। जब इवान अपनी खिड़की से बाहर देखता है तो वहां कई पुलिस वाले होते हैं, जो रात में हुए इंसिडेंट के लिए इवान को पकड़ने आए थे। यहाँ पर इवान फटाक से अपने आप को संभालता हुआ घर से बाकी के पैसे और कुछ जरूरी सामान लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है। चूंकि इवान को केवल पुलिस से पीछा छुड़ाकर दूसरे कंट्री में जाना था, इसीलिए वो सबसे जल्द उड़ने वाली फ्लाइट की टिकट लेता है जो इटली जाने वाली होती है। इटली पहुंचने पर इवान की मुलाकात कई और टूरिस्ट से होती है, जिनके साथ ये कई दिनों तक ट्रेवल करता है। आखिरकार इवान अपने नए दोस्तों के साथ इटली के एक छोटे से शहर बारी में पहुंचता है। ये सारे लोग रोड पर टहल रहे होते हैं कि तभी इवान की नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ती है, जिसका नाम लुइस होता है। लुइस को देखकर इवान को लुइस से प्यार हो जाता है। यहाँ पर कुछ क्षण रुककर इवान लुइस को निहारने लगता है, जिसका पता लुइस को चल जाता है और वह मुस्कुराते हुए इवान को देखती है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। आगे इवान जब भी अकेला होता था, तब इसे लुइस की याद आने लगती थी। एक दिन की बात थी, फ्रेंड्स, इवान अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में ड्रिंकिंग कर रहा होता है कि तभी इसे दोबारा से लुइस दिखती है। इस बार इवान अपना मौका न गंवाते हुए लुइस के पास जाता है और मौके पर चौका मारने की कोशिश करता है, यानी इस लड़की से अपने दिल की बात बताने की कोशिश करता है। इवान की बात सुनकर लुइस बड़े ही अश्लील आवाज में कहती है, मुझे तो वन नाइट स्टैंड करना है, यानी मुझे बस वो करना है, तुम समझ रहे हो ना। लुइस की बात सुनकर इवान को थोड़ा अजीब लगता है, पर इवान जल्द ही इसे फ्रेंडशिप के लिए मना लेता है। आगे इवान लुइस को दो दिन बाद मिलने के लिए और साथ में रेस्टोरेंट में बियर पीने को कहता है, जिस पर लुइस हामी भरते हुए यहाँ से चली जाती है। अगले दिन इवान के दोस्तों को दूसरे शहर में घूमने जाना था, इसीलिए ये लोग इवान को साथ में चलने को कहते हैं। चूंकि इवान लुइस के प्यार में पड़ चुका था, इसीलिए वह यहीं पर रुकने का प्लान करते हुए यहीं के एक लोकल फार्मर एंग्लो के यहाँ जॉब करने लगता है। अब इवान की दिनचर्या ये हो चुकी थी कि वो एंग्लो के फार्म में काम किया करता था और रात में एंग्लो के द्वारा दिए गए कमरे में सो जाता था। अगले दिन इवान सड़क पर टहल रहा होता है कि तभी इसे लुइस दिखाई पड़ती है, जिसके बाद वह लुइस को फॉलो करता है और इससे बात करना शुरू कर देता है। यहाँ पर लुइस की बातों से इसे पता चलता है कि वो म्यूजियम में जा रही है अपने प्यार के पहिए को गति देने के लिए। ये जनाब लुइस के साथ म्यूजियम में पहुंचते हैं। यहाँ पर लुइस इवान को एक लेडी की पेंटिंग दिखाती है, जिसके दोनों आंखों का कलर अलग अलग था।
आगे ये दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं। इवान एंग्लो के यहाँ काम करने वाली बात बताता है तो लुइस अपने बारे में कहती है कि वो एक जेनेटिक इवोल्यूशन पर रिसर्च करने वाली स्टूडेंट है और अपना गुजारा चलाने के लिए एक क्लिनिक में काम किया करती है। और कुछ इसी तरह से बात करते हुए ये दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जिसके बाद इवान इसे यानी लुइस को अपने घर पर ले जाता है, जहाँ पर ये दोनों फिजिकली इंटीमेट होते हैं। अब आधी रात हो चुकी होती है और हमें इवान के बगल में सो रही ये सुंदर काया वाली लुइस अचानक से एक अजीब डरावने क्रिएचर में चेंज होती दिखाई पड़ती है, जो एक वैम्पायर की तरह दिख रही होती है। अपनी ऐसी हालत को देखकर लुइस इवान के पास से भागने लगती है कि तभी उसे बीच रास्ते में एक बिल्ली दिखाई पड़ती है, जिसका गला काट कर ये खून इसका पी लेती है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ये लुइस कौन थी, तो इसका जवाब आपको आगे की कहानी में अपने आप पता चल जाएगा। सो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने पास से लुइस के चले जाने के बाद इवान थोड़ा परेशान होता है, पर जल्द ही वह एंग्लो के काम में अपना हाथ बटाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लुइस को देखते हैं, जिसके हाथ में फिर से अजीब तरह के निशान पड़ने लगते हैं। अपनी ऐसी हालत देखकर वह एक इंजेक्शन उठाती है और अपने आप को इंजेक्ट कर लेती है, जिससे इसका हाथ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। आज का काम खत्म होने के बाद इवान फिर से शहर में घूमने निकल जाता है, जहाँ एक दुकान पर इसे लुइस दिखती है। यहाँ पर इवान लुइस से रात में उसे अकेला छोड़कर जाने वाली बात पूछता है, जिस पर लुइस कहती है, मैं इस टॉपिक पर अभी बात नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज तुम मेरी बात समझो। लुइस की बात सुनकर इवान थोड़ा नॉर्मल रिएक्ट करता है, जिसके बाद इवान लुइस के साथ उसके घर पर चला जाता है। लुइस के घर पर इवान को एक पिंजरा दिखता है, जिसके अंदर में दो रैबिट होते हैं। इवान इस प्यारे से रैबिट को खाना देता है, जिसके बाद वह लुइस से बात करना शुरू कर देता है। आगे हमें लुइस के पैर को दिखाया जाता है, जिसका कलर कुछ इस तरह से चेंज होने लगता है। जब इसका पता लुइस को चलता है, तब वह बहाना करके वॉशरूम में चली जाती है। अगले क्षण हमें दिखाया जाता है कि लुइस एक डरावने से क्रिएचर में चेंज हो गई है। आगे वह खुद को संभालती हुई खुद को एक इंजेक्शन लगाती है और नॉर्मल होकर इवान के पास पहुंचती है, जहां ये दोनों रात का खाना साथ में खाते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब इवान की आंखें खुलती है, तब वह वॉशरूम में जाता है, जहाँ इसे लुइस के द्वारा यूज की गई सिरिंज दिखाई पड़ती है। सिरिंज को देखकर इवान को थोड़ा अजीब लगता है, पर वह लुइस को बिना कुछ बताए हुए एंग्लो के पास काम करने चला जाता है। एंग्लो के पास से आज का काम खत्म हो जाने के बाद वह शाम को फिर से लुइस से एक रेस्टोरेंट में मिलता है। चूंकि इंजेक्शन वाली बात अभी भी इसके दिमाग में घूम रही थी, इसीलिए यहाँ पर वह लुइस से इंजेक्शन के बारे में पूछता है, जिस पर लुइस इवान को समझाते हुए कहती है, शायद तुम सोच रहे होगे कि मैं कोई ड्रग लेती हूँ या फिर कोई नशा करती हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे एक जेनेटिक डिजीज है और इसके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए मैं ऐसा कुछ करती हूँ, यानी इंजेक्शन लेती हूँ। लुइस की बात सुनकर इवान नॉर्मल फील करने लगता है, जिसके बाद ये दोनों टहलते टहलते एक बीच पर पहुंचते हैं। यहाँ पर लुइस इवान से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, जिस पर इवान कहता है, मेरे पापा काफी अच्छे इंसान थे, पर उनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। अभी कुछ दिन पहले मेरी माँ भी चल बसी है। मैं इन दोनों से काफी प्यार करता था, पर ये दोनों अभी इस दुनिया में नहीं है। मैं बहुत ज्यादा अकेला फील करता हूँ और मुझे उनकी याद आती है। आगे इवान लुइस से उसके बारे में पूछता है, जिस पर वह अपनी एक आंख की लेंस निकाल कर कहती है, मुझे हेट्रोक्रोमिया है, जिसकी वजह से मेरी आंखों का कलर अलग अलग है। ये बात मैं सारे लोगों से छिपाती हूँ, ताकि लोग मुझे नॉर्मल समझे। लुइस की आंखों का कलर देखकर इवान को याद आता है, म्यूजियम में रखी पेंटिंग वाली औरत की भी आंखें दो रंग की थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से स्टोरी भाई साहब आपको इस मूवी की आगे की स्टोरी सुनाएंगे। वेलकम बैक दोस्तों, दिस इज स्टोरी एक्सप्लेन। यहाँ से मैं आपको इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। दूसरे दिन लुइस जब अपने क्लिनिक में होती है, तो उसकी तबीयत भीड़ से खराब होने लगती है और उसका कलर भी चेंज होने लगता है। वहीं पर लुइस अपने मेडिसिन के इंजेक्शन ढूंढने लगती है। बहुत देर ढूंढने के बाद उसको वो इंजेक्शन मिल जाती है, लेकिन वो खाली रहती है। देखते ही देखते लुइस की तबीयत और बिगड़ने लगती है और वो अपने क्लिनिक से बाहर आती है। लुइस का रैबिट एक पिंजरे में होता है, वो उस पिंजरे को लेकर कहीं दूर जगह पर जाती है और लुइस अपने रैबिट को मार के खा लेती है। रैबिट खाने की थोड़ी देर बाद लुइस फिर से नॉर्मल हो जाती है। उसी दिन इवान लुइस के घर जाता है और उसे वो रैबिट नहीं दिखता
और यही बात वो लुइस से पूछने लगता है कि तुम्हारा रैबिट कहाँ पर है। लुइस अपनी आवाज ऊंची करते हुए इवान से कहती है कि मैं इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती, प्लीज तुम किसी और टॉपिक पे बात करो। ये सुनने के बाद इवान सोचने लगता है कि शायद उस रैबिट को किसी दूसरे जानवर ने खा लिया होगा, इसीलिए शायद लुइस इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। दूसरे दिन इवान अपना काम खत्म करके लुइस के लिए एक किताब खरीदता है। इस किताब में म्यूजियम वाली लड़की की फोटो होती है। थोड़ी देर बाद वहीं पर लुइस भी आती है, जिसके बाद ये दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। जब ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तब फिर से लुइस की तबीयत खराब होने लगती है और लुइस बहाना बनाकर वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। जब लुइस अपने घर को जा रही होती है तो इसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है और अपने आप को संभालने के लिए एक दीवार से टेका लेकर खड़ी हो जाती है कि तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो बंदा लुइस को देखकर प्रोस्टिट्यूट समझने लगता है और इसके साथ रात बिताने के लिए कहता है। जब वो स्ट्रेंजर लुइस के करीब आता है कि तभी लुइस उस स्ट्रेंजर पर हमला कर देती है और उस बंदे का सारा खून पी लेती है। दूसरे दिन शाम में जब इवान लुइस के घर जाता है तो लुइस इवान से कहती है, यार मुझे माफ करना, मैं ये रिलेशनशिप और आगे बढ़ाना नहीं चाहती और इसी तरह मैं तुम्हें हट भी नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे तुम माफ कर दो और मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ और प्लीज इसके बारे में जिद्दी मत करना। ये सुनने के बाद इवान लुइस को बहुत समझाने लगता है कि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरी एक लौती माँ थी वो भी चली गई और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बहुत देर आर्गुमेंट करने के बावजूद भी लुइस इसके लिए मानती नहीं है। लुइस की बात सुनकर इवान को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह खुद को कोसते हुए एंजेलो के पास काम करने चला जाता है। आगे एंजेलो के पास इवान काम कर रहा होता है कि तभी उसके सामने दो पुलिस आते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखकर इवान बहुत ज्यादा डरते हुए एंजेलो से बोलता है, मैं इटली में इलीगली रह रहा हूँ, क्या मुझे सजा होगी, क्या वो लोग मुझे पकड़ लेंगे, क्या मुझे भाग जाना चाहिए। इवान की बात सुनकर एंजेलो कहता है, हो सकता है तुम्हें सजा हो जाए, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। एंजेलो की बात सुनकर इवान यहाँ से हड़बड़ाता हुआ भाग जाता है। एंजेलो के पास से चले जाने के कारण इवान ने अपना जॉब खो ही दिया था, साथ ही साथ उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए वह लुइस के पास जाने का सोचता है। जब इवान लुइस के दरवाजे पर पहुंचता है तो दरवाजा आधा खुला हुआ होता है, पर अभी भी दरवाजे की चेन लगी हुई होती है और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। ये सब देखकर इवान दरवाजे की चेन को तोड़ता हुआ घर के अंदर दाखिल होता है, जहां उसे दिखाई पड़ता है लुइस एक अजीब तरह के क्रिएचर में चेंज हो गई है और जमीन पर पड़ी हुई है, जहां लुइस अपने हाथों से सिरिंज को उठाने की कोशिश कर रही है। यहां पर इवान फटाक से सिरिंज को उठाता है और अजीब तरह के बने हुए क्रिएचर यानी लुइस को इंजेक्ट कर देता है, जिससे लुइस वापस से नॉर्मल हो जाती है। चूंकि लुइस का असली चेहरा अब इवान के सामने आ गया था, इसीलिए लुइस को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान था। आगे वह लुइस से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है, जिस पर लुइस न चाहते हुए सारी बात इवान को बताती है। यहाँ पर वो कहती है, मैं 2000 साल पुरानी एक म्यूटेंट हूँ जो हर 20 साल में स्प्रिंग के महीने में खुद को प्रेग्नेंट करती है। जैसा हर प्रेग्नेंट औरत के साथ होता है, प्रेगनेंसी के दौरान मेरे भी शरीर में नए सेल्स बनते हैं। मैं उन्हीं नए बने अपने बच्चे के सेल्स को यूज करके मैं खुद को रिजेनरेट करती हूँ और इन सब प्रोसेस के दौरान मेरा शरीर अजीब तरह के क्रिएचर में चेंज हो जाता है, जिसे मैं इंजेक्शन लेकर कंट्रोल करती हूँ। आगे लुइस कहती है, म्यूजियम में उसने जिस औरत की पेंटिंग देखी थी वो पुराने समय की लुइस ही थी। मैंने उस दिन तुम्हारे साथ सेक्स करके खुद को प्रेग्नेंट किया था। मुझे खुद की इमोर्टिलिटी बहुत ज्यादा प्यारी है। अगर मैं तुम्हारे साथ प्यार में पड़ जाऊंगी तो मेरे शरीर में ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होना शुरू हो जाएगा, जिससे मेरा शरीर एक नॉर्मल इंसान की तरह बन जाएगा और फिर मैं आम इंसानों की तरह जिंदगी जीने लगूंगी और फिर एक दिन बूढ़ी होकर मर जाऊंगी। प्रेगनेंसी वाली बात सुनकर इवान को और ज्यादा शौक लगता है और वह लुइस के घर से निकल जाता है। क्योंकि इवान के पास रात गुजारने के लिए घर नहीं था, इसीलिए लुइस इवान के पीछे पीछे आती है, जहां वह इवान को संभालती है और फिर अपनी शक्तियों के बारे में इवान को बताती है। मुझे मेरी इमोर्टिलिटी बहुत ज्यादा प्यारी है और मैं किसी इंसान के लिए अपनी इमोर्टिलिटी नहीं खो सकती। हाँ, मुझे तुम अच्छे लगते हो पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। आगे लुइस कहती है, तुम मुझसे दूर चले जाओ, मैं जब क्रिएचर में चेंज होती हूँ तो मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। मेरे सेल्स रिजनरेशन में आखिरी के कुछ घंटे बचे हुए हैं और वह सुबह तक रिजनरेट हो जाएंगे। लुइस की बात सुनकर इवान दूर जाने से मना कर देता है और उसके साथ खुद को उसके लास्ट समय में रहने को कहता है,
जिस पर लुईस मान जाती है और ये दोनों पूरी रात साथ में बिताते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। इसी क्रम में ये दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और कई जगह घूमते हैं। आखिरकार ये दोनों चर्च में पहुंचते हैं जहां लुईस की तबीयत फिर से खराब होने लगती है, यानी फिर से वो मॉन्स्टर में चेंज होने लगती है। यहाँ पर लुईस आखिर की बची हुई इंजेक्शन खुद को लगाती है और फिर इवान को उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर लुईस का जन्म हुआ था। यहाँ पर वह अपनी फैमिली के बारे में इवान को बताना शुरू करती है। वो कहती है, मेरी माँ भी इमोर्टल थी, पर उन्हें जब मेरे पापा से प्यार हो गया तब उन्होंने अपनी इमोर्टलिटी को त्याग दिया, और माँ के द्वारा उसकी इमोर्टलिटी को त्यागने की वजह से ही मेरा जन्म हुआ है। अब सुबह होने वाली होती है। फ्रेंड्स, इवान लुईस से आखिरी बार अपने प्यार का इजहार करते हुए लुईस को न बदलने को कहता है, जिस पर लुईस कहती है, मैं इस चीज को कंट्रोल नहीं करती हूँ, मेरा शरीर इस चीज को कंट्रोल करता है। यहाँ पर लुईस इवान को अपने पास से जाने को कहती है, पर इवान यहाँ से नहीं जाता और लुईस के पास ही रहता है और लुईस से ढेर सारी बातें करता रहता है। आगे लुईस इवान के पैर पर सिर रखकर सो जाती है। इसी क्रम में हमें बैकग्राउंड में सूरज को उगते हुए दिखाया जाता है। जब इवान की नजर सूरज पर पड़ती है तब वह वापस से लुईस को देखता है। लुईस पहले की तरह होती है, यानी लुईस ने अपने आप को बदला नहीं होता है, जिसे देखकर इवान खुश होता है और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। दरअसल फ्रेंड्स, फिल्म के लास्ट सीन में लुईस को भी इवान से प्यार हो जाता है और इसी वजह से वह मॉन्स्टर में चेंज नहीं होती है। चूंकि अब लुईस को भी इवान से प्यार हो गया होता है, इसीलिए वह इवान के पैर पर अपना सिर रखकर सो जाती है और इसी प्यार में पढ़ने की वजह से वह अपने इमोर्टिलिटी वाली शक्ति को भी गंवा देती है। यानी इस बार लुईस हमेशा की तरह मर्दों से संबंध बनाकर इमोर्टल रहने की शक्ति को त्याग देती है। का करेगी बेचारी, प्यार में पड़ गई थी ना, प्यार ऐसी ही चीज होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमारे परम मित्र स्टोरी एक्सप्लेन भाई साहब के भी चैनल को सपोर्ट करिए, यानी उनके चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करिए, जो साउथ मूवी को बहुत ही उम्दा तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। आपको इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन पे पहले लिंक पर क्लिक करो और इनके चैनल पे जाओ।